बस आज हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शेयर के बारे में। आज अगर आप देखें तो 11.10 रुपये पर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। अगर इसमें हम बढ़त देखें तो 0.45% की देखने को मिली। राइट नाउ अगर हम बात करें स्टॉक का 52 वीक आए तो 22 रुपये का है, लगभग अभी के प्राइस से इसमें दुगने का हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। अगर हम बात करें स्टॉक में क्या हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी टाइम बनानी चाहिए या फिर स्टॉक को जो लोग होल्ड किए उन्हें सेल कर देना चाहिए, क्या इसके अंदर पॉजिटिव बनती है, उसके बारे में बात करेंगे और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या इसमें अपडेट मिली है और क्या इस पर हमें एक राय बनानी चाहिए। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं 1417.87 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 6157 करोड़ का इसका इंटरप्राइज वैल्यू, जिसमें इसकी जो डेप्ट है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू अगर देखें 1 रुपये का है, 22 बुक वैल्यू अगर देखें तो 22 रुपये बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी स्टॉक के। अगर हम डेप्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा है इसके ऊपर डेप्ट। प्रमोटर होल्डिंग 24% है, पैनी स्टॉक के हिसाब से ठीक ठाक। EPS देखें तो वो माइनस में चल रहा है। एंड राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट हार्म हम की बात करें तो इसमें आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 21% का है, सेल्स ग्रोथ में -16% के। सो कहीं ना कहीं इसमें सेल्स ग्रोथ नेगेटिव पर चल रही है बट प्रॉफिट ग्रोथ में हमें हल्का फुल्का मुनाफा देखने को मिल रहा है। ROE ROC दोनों और नेगेटिव पर है, ROE CE भी काफ़ी अच्छा नहीं है। सो अगर हम बात करें स्टॉक का फंडामेंटल की तो फंडामेंटल इतना खास नहीं है स्टॉक का, बट अगर हम बात करें इसमें प्राइस चार्ट और इसके क्वार्टर के रिजल्ट की तो वो भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो DII और FII की एंट्री स्टॉक के अंदर। अगर हम देखें 19% का DII ने इसमें टेक ले रखा है, इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अगर हम बात करें क्या इन्वेस्टर्स को अभी इस टाइम पर बाय करना चाहिए तो देखिए, अगर आप DII और FII पर भरोसा करते हैं तो स्टॉक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप इसके क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पर भी काम करेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में हमें कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। कहीं हद तक पिछले वाले क्वार्टर से ठीक ठाक है रिजल्ट, बट कहीं ना कहीं इसमें हमेशा नेगेटिव में ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। कोई ऐसा कंपनी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना रही है, हमें नेगेटिव में ही पिछले कई सारे टर्म से देखने को मिला था। पहले अच्छी खासी गिरावट हुई थी, मतलब उसमें कि हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, बट हम नेगेटिविटी में कम हुए थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नेगेटिविटी कम हुई है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है और क्वार्टर के रिजल्ट में हमें बेसिस पर अगर हम बात करें यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। उसके बाद अगर हम रिसेंटली क्वार्टर की कंपैरिजन करें तो ठीक ठाक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। राइट नाउ अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो आप देख सकते हैं इसमें बिकवाली हुई है स्टॉक के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिकवाली देखने को मिली है। यह अच्छी बात नहीं है, एक बहुत बुरी बात है, बिकॉज जब स्टॉक के अंदर बिकवाली हो रही है तो मैनेजमेंट वर्क अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इस वजह से उसमें बिकवाली देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। एसेट्स का मतलब होता है कि इनके पास टोटल मशीनरी वगैरह जो भी इनका वर्किंग प्रोसेस का सामान है वो इनके पास कितना है, सो उसमें आप देख सकते हैं बिकवाली हमें देखने को मिली है। राइट नाउ अगर हम बात करें प्राइस चार्ट की तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री हुई बूम और देन ऑपरेटर एग्जिट, तो ये कोई मेन हमारे लिए मोमेंटम नहीं था इस टाइम पर कुछ करने का, बट अगर हम बात करें स्टॉक में हमें कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें स्टॉक में जो मोमेंटम अच्छा खासा था वो था 8.95 पर इसका सपोर्ट लेवल ड्रॉन है और उसके बाद इस स्टॉक ने हमें 11.5 रुपीज़ के टारगेट दिखाए हैं। अगर हम बात करें पिछले ट्रेंड से, ट्रेंड को ये फॉलोअप करता हुआ डाउनफॉल लॉफॉल यहाँ तक बना रहा, उसके बाद ट्रेंड ने अपसाइड ट्रेंड दिखाया, हल्का सा डाउनफॉल दैनिक अपसाइड ट्रेंड बना रहा है। सो कहीं ना कहीं अब स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम हिस्ट्री रिपीटेड सेक्शन से बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमें कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद से इस लेवल ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दैनिक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, दोबारा से हल्का सा डाउन आके हल्का सा अभी अपसाइड ट्रेंड दिखा सकता है। सो स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बट आपको बेटर स्टॉप लॉस लगाना होगा 8.95 रुपीज़ का। अगर 8.95 रुपीज़ को ब्रेक करता है अंदर डाउन साइड तो हमें गिरावट भी अच्छी खासी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए स्टॉक टोटली कहीं ना कहीं अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट के बेसिस पर डिपेंडेंट है। आप अगर देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं क्वार्टर के रिजल्ट हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे, सो इसमें बढ़त देखने को मिली, बट उसके बाद हमें क्वार्टर के रिजल्ट में एकदम से गिरावट देखने को मिली। सो यहाँ से हमें इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। सो क्वार्टर के रिजल्ट स्टॉक में बहुत मायने रखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम बाइंग का पॉजिटिव बनाएं तो स्टॉक में 8.95 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट आप रख सकते हैं अराउंड 17.55 रुपीज़ के स्टॉक के अंदर। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी अगर ये भी ब्रेक होते हैं उसके, अगर लेवल्स 17.95 के, तो आपको ये स्टॉक कहीं ना कहीं 20 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। सो स्टॉक में ये थी अपॉर्चुनिटी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपका एनालिसिस अच्छा लगा हो तो।